अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, दिस इज योर साइंस लेक्चर एंड आर टुडेज टॉपिक्स आर डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7. सो द टॉपिक इज डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है? A combination of solute and solvent is called solution. For example, हमारे पास यहाँ पे solvent है water और solute है salt. जब हम इस salt को इस water में dissolve करेंगे तो वो दोनों क्या form करेंगे? एक solution. ठीक है, solvent वो substance होता है जिसमें कोई भी solute dissolve होता है, और solute वो है जो किसी भी solvent में dissolve होता है, उसे हम कहते हैं solute. और जब ये दोनों combine होते हैं, अगर हम इस solvent में इस solute को dissolve करेंगे तो ये क्या बनाएगा? एक सॉल्यूशन, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूट है, हमारे पास सॉल्ट जिसने डिसॉल्व होना है, और सॉल्वेंट है वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व करेगा इस सॉल्ट को. तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन. ठीक है, सो नाउ लेट सी व्हाट इज डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत थोड़ी हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल, हम वन कप ऑफ वाटर में जो कि एक सॉल्वेंट है, हम वन पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं जो कि एक सॉल्यूट है, तो हमारे पास वो वाला जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट वॉज सॉल्ट वो बहुत थोड़ी होगी. ठीक है, सो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. The next one is a solution with more quantity of a solute is called a concentrated solution. अब ऐसा solution जिसमें हमारे पास solute की amount ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं concentrated solution. For example, we have one cup of water that is a solvent and we have almost one cup of salt. ठीक है, when we mix both of them, we have a solution, but that solution will be concentrated solution क्योंकि उसमें solute की amount बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. जस्ट एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें बहुत थोड़ा सा ये सॉल्ट है जो आपने वाटर में ऐड किया. ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. लेकिन एक सॉल्यूशन आपके पास ये है जिसमें आपने अ लॉट ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, तो ये वाला हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा ये कौन सा होगा? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो जिसमें आपके पास सॉल्यूट कम हो वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें आपके पास सॉल्यूट ज्यादा हो वो क्या होता है? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. द नेक्स्ट वी हैव इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, आप एक कप ऑफ वॉटर लें और उसमें आप शुगर डिसॉल्व करना शुरू करें. ठीक है, पहले पहले क्या होगा कि आप 2-3 स्पून जब आप शुगर के ऐड करेंगे तो वो आराम से आपके पास डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन आपके पास एक स्टेज आएगी जब आप जो शुगर है वो ऐड करेंगे और वो आप उसे मिक्स करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी बल्कि वो वाटर के नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, एट दैट पॉइंट हमारा जो सॉल्यूशन बनता है कि जब आपके पास जो सॉल्यूट है दैट इज शुगर वो डिसॉल्व होना बंद कर दे, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना होता. जिस टेम्परेचर में आपने शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया था, एंड में भी आपके पास टेम्परेचर वही रहे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो आपकी डिसॉल्विंग को इफेक्ट करता है. अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मे बी उस टेम्परेचर के बाद आपके पास और शुगर डिसॉल्व होना शुरू हो जाए. ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या थी कि आप थोड़ा सा वाटर लें अपने पास और उसमें शुगर डिसॉल्व करना शुरू करें, तो थोड़ी देर बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और वो वाटर में नीचे बैठना शुरू हो जाएगी. तो एट दैट पॉइंट हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा जिसमें हम आपके पास शुगर डिसॉल्व होना बंद कर देगी, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, एंड अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब क्या होता है, अगर आपके पास एक कप वाटर है उसमें आपने 2 स्पून ऑफ शुगर डाले और आपने उसे डिसॉल्व किया और वो आराम से डिसॉल्व हो रही है, तो उस टाइम पे आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी आप और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है,
लेकिन फिर एक स्टेज आएगी जिसमें आप उसे डिसॉल्व करेंगे, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी और वो नीचे बैठना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उस स्टेज पे जब हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी सैचुरेशन पे फर्क पड़ सकता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, शुगर डिजोल्व इन वॉटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। अब शुगर जब वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास, सोल्यूशन, जिसमें शुगर हमारे पास सोल्यूट है और वॉटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट, जिसने उस सोल्यूट को डिजोल्व करना है। इफ यू कीप ऑन डिजोल्विंग द शुगर इन अ ग्लास ऑफ वॉटर, अ स्टेज विल कम वेन नो मोर शुगर विल गेट डिजोल्व इन वॉटर एंड इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन। आप उसे डिजोल्व करना शुरू करें, जब आप डिजोल्व करते जाएंगे और शुगर डालते जाएंगे, डिजोल्व करते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जब शुगर डिजोल्व होना बंद कर देगी और वो नीचे बैठना शुरू कर देगी। एट दैट पॉइंट यू हैव मेड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन बट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डेड सी। व्हाट इज अ डेड सी? डेड सी वो सी है जहां पर आपके पास कोई लाइफ विजिबली एग्जिस्ट नहीं करती। उस सी में कोई प्लांट्स, कोई फिश या कोई भी ऐसी विजिबल लाइफ नहीं है। अब डेड सी क्या होती है? डेड सी इज हाईली सैचुरेटेड विद सॉल्ट। अब हाईली सैचुरेटेड क्या होती है कि उस वाटर में बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है। ऐसा सी जिसमें आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्ट बहुत ज्यादा होती है तो वो क्या है, वो हाईली सैचुरेटेड है विद सॉल्ट, ठीक है। दीज सॉल्ट बिकम क्रिस्टल्स एट स्लाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, वो जितना भी उस सी में सॉल्ट प्रेजेंट है वो सारा क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो सारे क्रिस्टल्स की फॉर्म है दैट इज वो सॉल्ट है जो आपके पास थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ गया था। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ डेड सी थिंग्स डोंट सिंक इन इट। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं या जो भी चीज सिंक कर सकती है सी पे, वो जो डेड सी है उस पे सिंक नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी सॉल्ट होते हैं उन्होंने क्रिस्टल की फॉर्म ले ली होती है जब थोड़ा सा भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से देर आर नो प्लांट्स, फिश और एनी विजिबल लाइफ इन द सी। उस सी में जो कि डेड सी है उसमें प्लांट्स और फिश और या इस तरह की कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट की जो अमाउंट है वो इतनी ज्यादा है कि वो हाईली सैचुरेटेड है विद सॉल्ट्स, और वो जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से वहां पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। दिस वॉज द बॉक्स ऑफ डू यू नो दैट टेल यू अबाउट डेड सी।